छोड़ेंगे तो मुसलमानों के लिए से निकल जाएगा आज क्या है पूरी जिंदगी नमाज ना पढ़ो फिर भी मुसलमानों की खबरस्तान में उसे दफना दिया जाता है हालांकि कोई हक नहीं पहुंचता तरह का सलाह था फकत कफर जो जानबूझ के नमाज छोड़ता है वो क्या है काफिर है इबनबास का फतवा यही है कि बेनमाजी अगर समझाने के बावजूद भी बेनमाजी मरा तो उसे मुसलमानों के खबरस्तान में दफनाना नहीं चाहिए हाँ मियाँ बीवी का जोड़ा जो है निकाह टूट जाता है बेनमाजी है भाई नमाजी औरत है बेनमाजी नमाजी औरत के साथ कैसे रह सकती ही टूट गया तो काफिर रहे वो मुसलमान है आज हुक्म आपको सुनाएंगे तो याद रखो आंखें धरी की धरी रह जाएंगी अरे पता नहीं भाई मोलि साहब को आज क्या हो गया हालांकि मैं मेरा कौल नहीं, नहीं कहा मैं तो सिर्फ क्या है फतवा नकल किया हूं मैंने सिर्फ इबन अबासम्ला का फतवा नकल किया हूं बस ये हालत हमारी है फिर भी हम पक्के सच्चे मुसलमान हैं इकाई की मुसलमानियत इकाई की मुसलमानियत है, है। रमजान में सिर्फ बनती है तैदाद बाद में क्या है पुलिस स्टेशन पर जाकर रिपोर्ट करना पड़ता है कि पता नहीं सौवों लोग अचानक गायब हो गए ईद की रात ही को क्या है आपको देना पड़ता पता नहीं कहां से निकल के आए कहां गायब हो गए और साल भर पूरे स्टेशन मिला के भी अगर ग्यारह महीने ढूंढी तो फिर नहीं मिलते वो फिर चांद रात को मिलते हैं बराबर फिर भी पक्के सच्चे मुसलमान हमारे ईमान पे कोई धब्बा नहीं हम मुसलमान हैं अगर कोई हाथ भी दिखा के कुछ कह देना उसकी अंगली काट देंगे तो मुझे बोल रहा कहा की मुसलमानियत एक पक्के मुनाफिक को भी मालूम था कि नमाज वो है जिससे मुसलमान बनता है मुआरे में अब्दुल्ला बिन ओबई बिन सलूल को यह मामलूम था अच्छी तरह यकीन था उसे मैं तो मुसलमान ही नहीं हूं और मेरी नमाज कबूल नहीं होगी फिर भी पढ़ता था इस वास्ते कि सोसाइटी में वो मुसलमान कहाना चाहता था आज हमने अपने निफाक का इंतहा कर दी कि सोसाइटी में भी मुसलमान कहलाने के लिए हमें नमाज नहीं पढ़ना है हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है मुसलमान नाम रख लिया तो उन्हें कुछ भी कर लो शराबी कबाबी बन जाए फिर भी मुसलमान ही रहता है जिना के अड्डे खोल ले बैंक में नौकरी कर ले सिनेमा थिएटर आबाद कर ले उसकी मुसलमानियत पर कोई धब्बा नहीं लगता हाँ बाप के नमाज जनाजे को भी पढ़ने ना आए बाहर खड़ा होता जनाजा अंदर मैंने अपने आंखों से देखा है आंखों से बाप का जनाजा अंदर बेटा दस्ती बांध के बाहर खड़ा हुआ है मैं पूछा कि क्या जी, बाप का नमाज जनाजा नहीं पढ़ो मौली साहब पाकि नहीं मौली साहब मुझे पता नहीं बेवकूफ नहाता भी या नहीं नमाज को तो पाकी नहीं बोलते बगैर पाकी के निकला क्यों बेवकूफ बाप का जनाजा है बाप का फिर भी मुसलमान है मुसलमानियत पे कोई धब्बा नहीं कौन सी मुसलमानियत है सोचो अपने आप को सोचो